दोस्तों, क्या आपने कभी इस प्यारे से बंदर को देखा है जो आपके हाथ की हथेली से भी छोटा होता है? और क्या आपने कभी इस प्यारे से ग्लाइडर को देखा है जो आपके हाथ उठाते ही आपके हाथ पर आ जाता है? और क्या आपने कभी इस चमगादड़ को देखा है जो सफेद रंग का होता है? क्यों, सुनकर चौंक गए ना? इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे प्यारे जानवरों से मिलाने वाला हूँ जिन्हें देख कर आपका उन पर दिल आ जाएगा, इसलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 10, बेबी स्कंक। दोस्तों, ये प्यारा सा जानवर अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको में पाया जाता है। ये छोटा होने के साथ साथ बहुत ही खूबसूरत होता है। बात करें इसकी खूबसूरती की तो इसका शरीर काले रंग का होता है जिस पर सफेद रंग की धारियां होती है जो काफी शानदार होती है। इस जानवर का आकार किसी घरेलू बिल्ली के बराबर होता है। बात करें इनके आकार की तो ये 20 से 45 सेंटीमीटर तक बढ़ सकते हैं और इसका वजन 7 से 15 पाउंड तक होता है। इस जानवर की सबसे खास बात यह है कि जब भी ये डरा होता है तो ये अपने शरीर से बदबू छोड़ता है। शायद ये ऐसा इसीलिए करता है ताकि ये अपने दुश्मनों को खुद से दूर रख सके। लेकिन जब कोई इसे पालतू बनाने के बारे में सोचता है तो इससे पहले वो इसके शरीर से बदबू छोड़ने वाली ग्रंथियों को निकलवा देता है, जिसके बाद ये किसी भी तरह की बदबू नहीं छोड़ पाते। आपको बता दूं कि इनका व्यवहार इंसानों के साथ बहुत ही दोस्ताना होता है और यही कारण है कि ये जानवर विदेशी पालतू जानवर के रूप में सबसे ज्यादा फेमस है। नंबर 9, बेबी फेनिक्स फॉक्स। दोस्तों, ये प्यारा सा फॉक्स सहारा रेगिस्तान और अरेबियन रेगिस्तान में पाया जाता है। ये प्यारे होने के साथ साथ बहुत ही सुंदर भी होते हैं। फॉक्स की ये प्रजाति दुनिया में मौजूद सभी फॉक्स की प्रजातियों में सबसे छोटी होती है। इस फॉक्स का जीवन काल 14 वर्षों का होता है और इसका वजन 700 ग्राम से 1 किलो तक होता है, जिसके कारण इन्हें बाहर ले जाना बहुत आसान होता है। ये फॉक्स काफ़ी एनर्जेटिक और चंचल होते हैं और इन्हें खेलने के लिए बड़े से रूम की ज़रूरत होती है। और जो चीज़ इन्हें सबसे ज़्यादा आकर्षक बनाती है वो है इनकी बड़ी बड़ी आँखें जो काफ़ी शानदार होती है। आपको बता दूँ कि इनकी देखभाल बिल्कुल किसी इंसान के बच्चे की तरह करनी पड़ती है। वैसे आपको ये प्यारा सा फॉक्स कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। नंबर 8, बेबी लांबा। दोस्तों, ये जानवर अमेरिका में पाया जाता है। आपको बता दूं कि प्राचीन समय में इसका इस्तेमाल बोझा उठाने और ऊन प्राप्त करने के लिए किया जाता था। जब ये पैदा होते हैं तो इनका वजन 9 से 15 किलोग्राम होता है। ये इतने माहिर होते हैं कि किसी कठिन काम को कुछ कोशिश के बाद ही करना सीख जाते हैं। दोस्तों, ये जानवर बहुत ही ईमानदार और इंसानों से जल्दी ही घुल मिल जाते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि इसे पालने के लिए आपको ज़्यादा देखभाल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये लांबा बहुत ही भावुक जानवर होते हैं, जिसके कारण ये इंसानों के भावों को जल्दी ही समझ लेते हैं और अगर आप इस पर चिल्लाते हैं या फिर गुस्सा करते हैं तो ये आपसे नाराज़ होकर दूर चले जाते हैं, जिसके बाद ये आपके पास वापस नहीं आते। दोस्तों, शायद ही ऐसा कोई होगा जो इस प्यार से जानवर पर गुस्सा होगा। नंबर 7, बेबी वॉम्बैट। दोस्तों, ये प्यारा सा जानवर ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ये जानवर बहुत ही शर्मीले और शांत स्वभाव के होते हैं, लेकिन सबसे बुरी बात ये है कि इनकी प्रजाति लुप्त होने की कगार पर पहुंच रही है। पर आपको जानकर खुशी होगी कि ऑस्ट्रेलिया और कुछ चुनिंदा देशों में लोग इन्हें पालना पसंद करते हैं। बात करें इनके आकार की तो ये 1 मीटर तक लंबे हो सकते हैं और इनका वजन लगभग 20 से 35 किलोग्राम तक होता है। आपको बता दूं कि इन्हें पालने के लिए ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है, लेकिन आपको इस बात का भी ध्यान रखना ज़रूरी होता है कि ट्रेनिंग के दौरान ये आपको कोई नुकसान ना पहुंचा दे। वो इसलिए कि इन्हें ट्रेनिंग देना इतना भी आसान नहीं होता। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स शॉर्ट डिस्टेंस में उड़ सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, और इनका ये डिस्टेंस एक पेड़ से दूसरे पेड़ या फिर एक शाखा से दूसरी शाखा होती है। दोस्तों, ये प्राणी बहुत ही दिलचस्प होते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल किसी प्यारे डॉगी की तरह होते हैं, जिसके कारण आप इसे गोद में उठाए बिना नहीं रह सकते। लेकिन ध्यान रखना दोस्तों, क्योंकि ये समय के साथ बहुत ही गुस्सैल और ख़तरनाक हो जाते हैं, जो परेशान होने पर
हमला करने से भी पीछे नहीं हटते। नंबर 6, बेबी तमंडुआ। दोस्तों, ये प्यारा सा जानवर अमेरिका के जंगलों और घास के मैदानों में पाया जाता है। ये जीव एंटीटर फैमिली का हिस्सा है। अगर आप इसे थोड़ा सा भी प्यार दे देते हैं तो ये बहुत जल्दी ही आपसे घुल मिल जाते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि इनके पास दांत नहीं होते, बल्कि ये अपना खाना चबाने के लिए अपने पावरफुल कीचड़स पर निर्भर होते हैं। इनके पास छोटी आँखें और गुलाबी रंग का शरीर होता है, जिस पर काले रंग के पैटर्न बने होते हैं, जो इसे और भी प्यारा बनाते हैं। इस तमंडुआ की जीभ बहुत ही लंबी होती है, जिसकी लंबाई 16 इंच होती है। आपको बता दूं कि अगर आप इस तमंडुआ को पालना चाहते हैं तो आपको बहुत ही अच्छे से सोचना होगा। वो इसलिए कि इन्हें नमकीन चीज़ें बहुत पसंद होती है, जिसके कारण आपका बहुत खर्चा हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, वैसे तो ये ज़्यादातर चींटियों और दीमक को अपना आहार बनाते हैं। दोस्तों, ये तमंडुआ एक ऐसा जीव है जो सभी प्रकार के फलों को खाना पसंद करते हैं, जिससे ये हमेशा खुश और स्वस्थ रहते हैं। नंबर 5, बेबी स्लॉथ। दोस्तों, ये जानवर दक्षिण और मध्य अमेरिका में पाया जाता है। ये प्यारा सा जानवर मध्यम आकार वाला जीव है, जो कि शाकाहारी है। ये अपने धीमे चाल से चलने के कारण बहुत ही फेमस है, जिसके कारण इसे आलसी जानवर माना जाता है। 2 से 3 उंगलियों वाला ये जानवर दुनिया का सबसे प्यारा विदेशी पालतू जानवर है। आपको बता दूं कि ये बहुत ही हाई मेंटेनेंस क्रिएचर है और ये तनाव में रहना पसंद नहीं करते, बल्कि ये खुली जगहों में रहना पसंद करते हैं। ये जानवर फल, पत्ते और कीड़ों को खाना पसंद करते हैं, और इन्हें पालने के लिए ऐसी जगहों को सबसे अच्छा माना जाता है जहाँ का माहौल हरा भरा हो। नंबर 4, बेबी टाइगर। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि इस टाइगर को पालतू बनाकर अपने आप को कौन खतरे में डालना चाहेगा। तो आपको बता दूं कि US में पालतू टाइगर्स की संख्या जंगल में रहने वाले टाइगर से ज़्यादा है, बल्कि पूरी दुनिया में इंसानों द्वारा सबसे ज़्यादा टाइगर को ही पाला जाता है, जिसमें से कुछ तो सेलिब्रिटीज़ हैं, जिसमें से एक माइक टायसन भी हैं। दोस्तों, वैसे तो इस टाइगर की देखभाल करना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि इन्हें सही ट्रेनिंग देना और इनके खान पान का ध्यान रखना एक आम इंसान के लिए मुमकिन नहीं होता। लेकिन दोस्तों, इस प्यारे से बेबी टाइगर को देखकर कोई भी ये भूल सकता है कि ये समय के साथ कितने खतरनाक हो सकते हैं। आपको बता दूं कि एक बेबी टाइगर को सिर्फ दूध ही पिलाया जाता है, और जब ये पूरी तरह से वयस्क हो जाते हैं तो ये एक बार में 80 से 90 पाउंड तक मीट खा जाते हैं। आपको जानकारी के लिए बता दूं कि एक टाइगर का पिंजरा कम से कम 40 स्क्वायर मील होना चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ आपको इन पर नज़र बनाए रखनी होगी। नंबर 3, फिंगर मंकी। दोस्तों, ये प्यारा सा बंदर दुनिया का सबसे छोटा बंदर है, जिसे आपने शायद ही पहले कभी देखा होगा, और अगर नहीं देखा है तो अब देखिए कि ये कितने छोटे और प्यारे होते हैं। आपको बता दूं कि इनका साइज हाथ की हथेलियों से भी छोटा होता है, जिसके कारण इसे फिंगर मंकी कहा जाता है। ये बंदर बहुत ही शांत स्वभाव के होते हैं, क्योंकि ये ना तो कभी गुस्सा करते हैं और ना ही किसी पर हमला करते हैं, जिसके कारण इन्हें पालना बहुत ही आसान होता है। ये प्यारे बंदर सिर्फ फलों को ही खाना पसंद करते हैं, और इनका सबसे पसंदीदा फल सेब और केला है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि ये जितना प्यारा होता है उतना ही महंगा भी। जी हाँ दोस्तों, इन बंदरों के एक जोड़े की कीमत 5 लाख से 7 लाख रुपए होती है। क्यों, सुनकर झटका लगा ना? वैसे आपको ये प्यारा और कीमती बंदर कैसा लगा, कमेंट में ज़रूर बताना। नंबर 2, द शुगर ग्लाइडर। दोस्तों, ये प्यारा सा जानवर बहुत ही खास है, क्योंकि अगर आपने इसे एक बार देख लिया तो आप इसे भूल नहीं पाओगे। ये इतने क्यूट होते हैं कि हर किसी को पसंद आ ही जाते हैं। आपको बता दूं कि ये कुछ दूरी तक उड़ने में सक्षम होते हैं, और इसकी सबसे खास बात ये है कि जैसे ही आप अपना हाथ उठाते हैं, ये उड़कर आपके हाथ पर आ जाता है। क्यों, कमाल है ना? लेकिन एक चीज़ जो इन्हें सबसे ज़्यादा आकर्षक बनाती है,
और वो है इनकी आँखें जो काफ़ी खूबसूरत होती है। इस प्यार से जानवर की देखभाल करना भी बहुत आसान होता है क्योंकि इन्हें फल खाना बहुत पसंद होता है। वैसे आपको ये प्यारा सा उड़ने वाला ग्लाइडर कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। नंबर 1 होंडुरन वाइट बैट। दोस्तों ये चमगादड़ दुनिया का सबसे प्यारा और खूबसूरत चमगादड़ है जिसे देखकर आपको इसे बार बार पकड़ने का ही मन करेगा। ये प्यारे से चमगादड़ देखने में बिल्कुल किसी रुई के बॉल की तरह दिखाई देते हैं। इन चमगादड़ों को कैरेबियन वाइट टेंट मेकिंग बैट और कॉटन बॉल बैट के नाम से भी जाना जाता है। और अभी आप जिस आकार में इन्हें देख रहे हैं यही इनका मैक्सिमम साइज होता है। ये चमगादड़ हेलिकोनिया पौधे के पत्तियों के नीचे रहते हैं और इन्हीं पत्तियों को खाकर ये अपना पेट भरते हैं और यही कारण है कि इन्हें टेंट मेकिंग बैट भी कहा जाता है। आपको बता दूँ ये चमगादड़ शाकाहारी होते हैं और अपनी ज़िंदगी का ज़्यादातर समय इन पत्तियों के नीचे ही बिताते हैं और इस एक पत्ती में लगभग 6 से 7 चमगादड़ होते हैं जो बड़ी ही शांति से अपना जीवन बिताते हैं और ये बहुत ही मुश्किल से ही दिखाई देते हैं। वैसे आपको ये प्यारा सा चमगादड़ कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो उस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए स्क्रीन पर आ रही वीडियोस या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को चेक कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।